नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फिर से एक नया रिक्रूटमेंट निकाला है। तो देखिए, इस बार ये जो नया साल है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। इससे पहले एक हफ्ते पहले ही इन्होंने एसबीआई ने अपने पीओ को एग्जामिनेशन के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो भी आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उसका फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ रखा आपका रिक्रूटमेंट और जूनियर एसोसिएट। आपका इस बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, रिक्रूटमेंट निकाला है, वो निकाला आपका जूनियर एसोसिएट। ये भी कनिष्ठ सहायक की तरह है, यानी कि क्लेरिकल जॉब होती है ये भी। ठीक है, तो अब यह बोला देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो फिलअप करना है और पेमेंट फ़ी उसमें जो सबमिट करनी है, उसकी जो डेट दी है इन्होंने, देखिए 12 अप्रैल 2019 से लेकर 3 मई 2019 तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ़ी का पेमेंट आप इस पर कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेरेंटरी इन द मंथ ऑफ जून 2019 एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेरेंटरी ऑन 10 अगस्त 2019। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका जून 2019 में, और जो आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 10 अगस्त 2019 को। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिसमें कि ये कैलेंडर वाइज आपको बता देता है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक्स वेबसाइट। आपको ये बोला है कि आपको रेगुलरली आप बैंक की वेबसाइट पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है एसबीआई की, तो आपको रेगुलरली अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद भी आपको चेक करते रहना है, क्योंकि इस पे आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे और इसी में आपको इस पोस्ट के, इस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट कोई भी नोटिफिकेशन होगा या कोई भी नोटिस होगा तो ये आपको इसी में शो अप होगा। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है। ठीक है ना, इस डिटेल को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सर्कल और सेंटर वाइज दे रखे हैं, यहाँ पे सर्कल और सेंटर देखे हैं, उसके बाद स्टेट दे रखा है यहाँ पे, देखिए उसका लैंग्वेज होगा, और यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज वाइज आपको बांट रखा है उसमें, इसमें पोस्ट दे रखी है किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। सर्कल देख लीजिएगा, अपना स्टेट देख लीजिएगा किस सर्कल में आ रखा है। अगर मैं यहाँ पर अपने टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं ये देखिए 8593, यानी कि टोटली 8593 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं आपके स्टेट के लिए, आपके लैंग्वेज के हिसाब से, तो आप इसको वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप बढ़ते हैं नीचे, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को मैं आपको बताऊँगा। बाकी अगर आपको ये जो नोटिफिकेशन का ये एडवर्टाइजमेंट, ये लिंक चाहिए होगा, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस पे सबसे पहला आता है आपका एलिजिबल क्राइटेरियाज के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं, आप अपेयरिंग है, तो ये बोला कि आपका अगर अपेयरिंग है तो आपका 31 अगस्त 2019 तक आपका जो रिजल्ट है, जिस भी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं हम ग्रेजुएशन के, तो आपका उस जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो आपका 31 अगस्त 2019 तक आपका हो जाना चाहिए, तो ही आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए आपका एज लिमिट का। ठीक है, तो एज लिमिट जो है आपकी यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2019 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। और इसमें दे रखा है कि SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो होता है आपका 10 ईयर्स का, इसमें भी इन्होंने इस रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा, और उसके बाद अगर आपको इसको और देखना है तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद आप इसको अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जितने भी रिलैक्सेशन है एज के, तो उन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद अगला हम आ जाते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, तो देखिए इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम। यानी कि दो आपके इसमें टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स और एग्जाम, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है ना, इस बात की आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जो आपका फेज़ वन होगा, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, तो वो आपका जो 100 मार्क्स का होगा इसमें, और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा।
ठीक है ना। और अगर आप बात कर ली जाए तो उसमें तीन सेक्शन आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो ठीक है, तीन सेक्शन आने वाले हैं, इसमें से जो आपका टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 100, और मार्क्स भी होंगे 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें जो टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें देखें 1/4 अगेंस्ट काटा जाएगा। अगर आपको अगर एक भी गलत क्वेश्चन होता है तो आपका उसमें 1/4 अंक, यानी कि 0.25 अंक आपका काटे जाएंगे। ठीक है ना, इस पर आप ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपने, अगर आपने ये पहला फेज क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको सेकंड फेज के लिए बुलाए जाएंगे, ये मेन एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें आएगा, देखिए जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आएगी, जनरल इंग्लिश आ जाएगी इसमें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा इसमें आपका। ठीक है, 1 टोटल अगर क्वेश्चन ऑफ नंबर की बात करें तो वो होगा आपको 190 का, और टोटली मार्क्स की बात करें तो वो होंगे आपके 200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो 200 नंबर के होंगे। तो जिसमें आपको जो टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है इसमें आपका, तो वो मिलने वाला है देखिए 2 2 आवर 40 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स से आपका इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा उसका स्ट्रक्चर होगा कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस होंगे, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन या कॉन्वेंशनल टाइप्स नहीं होने वाला है। और ये बोला कि इसमें भी 1/4 की अगेंस्ट आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इसमें और जो इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, तो देखिए आपको जो अप्लाई करना है वो आपको इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, http://bank.sbi.careers पे आपको जाना है इस वेबसाइट पे, और यहीं पे आपको ऑनलाइन आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और यहीं से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट इसमें आपके पे स्केल भी दे रखा है यहाँ पे, तो आप इस पे स्केल को भी समझ सकते हैं, और इस पे स्केल के थ्रू भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें बोनस वोनस सब मिलेगा इनका जो भी होता है। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि इसमें जो आपका चालान लगेगा वो क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। ठीक, तो देखिए इसमें SC ST PWD और XS ये जो दे रखा है उनके लिए जो पेमेंट है वो है आपके 125 रुपीज़ है। ठीक है ना, और अगर आप जनरल कैटेगरी OBC और EWS यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 750 रुपये इन्होंने फीस रखी हुई है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी है, आप सारी इन गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और जो भी है इसमें देख लेंगे, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है, देखिए कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन। देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर आएगा ये 1st वीक ऑफ जून, यानी कि कैलेंडर के अनुसार पहले वीक में आ जाएगा बोलना है, और मेंस एग्जाम का आएगा 4th जुलाई 2019 तक आपका आ जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए तो इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, तो आप इसकी तैयारी पे बिल्कुल लग जाइए और इसमें देख लीजिएगा अपना। और इसमें अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अपने स्टेट के अनुसार आपको जो भी सुटेबल सेंटर्स लगता है आप वो भी फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। इस टैलेंट ये भी जो नोटिफिकेशन उसमें पूरा दिया हुआ है। देखिए उत्तराखंड, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड के लिए बता देता हूँ, उत्तराखंड के लिए देखिए देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, तो बहुत अच्छी है है यहाँ पे। हल्द्वानी भी इसमें सेंटर है, काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा जो कुमाऊँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी मेरी एक SBI पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए कि SBI में भी वैकेंसी